हाय, हाय। मैं अपने लिए कॉफी बना रही थी, सोचा तुम्हारे लिए भी बना। मैम थैंक यू, मैंने ऑलरेडी मशीन से बनवा ली थी कॉफी। सॉरी, मुझे पता नहीं था, वरना मैं बना देती। नहीं, इट्स ओके। वैसे इसमें सॉरी वाली क्या बात है? एक और कप पी लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम। नहीं थैंक यू, अभी फिलहाल नहीं पी सकता। क्या कर रहे हो? पापा ने एक रिसर्च का बताया था, उसी में बिजी हूँ। सुना था मैंने, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो ना स्टॉक में बाबा के बिजनेस में। मैं उनसे ज्यादा भी कुछ जवाब दे सकती हो तुम मुझे। आपको हरीम से बच के रहना होगा, उसके इरादे ठीक नहीं है। वो आपको इस घर के लोगों को तंग करने के लिए आई है, पर आज वो आपको मुझसे छीनने के लिए आई है। ऐसा उसने खुद कहा है मुझसे। उसने ये कहा कि असन भाई से शादी उसने उन्हें ब्रिज बनाने के लिए की, वो इस्तेमाल कर सके उन्हें, ताकि वो आप तक पहुंच सके, आपके घर तक पहुंच सके। हेलो फराज, कहाँ खो गए? तुमसे बात कर रही हूँ। नहीं कुछ नहीं, बस काम याद आ गया था। तो इसका मतलब मैं तुम्हें तुम्हारी रिसर्च में डिस्टर्ब कर? नहीं नहीं बिल्कुल। आप बताएं कैसी चल रही है आपकी लाइफ शादी के बाद? कुछ खास नहीं। नहीं, देखिए ये जवाब नहीं चलेगा, तफसील से बताएं जरा। क्या तफसील चाहिए तुम? यही कि असवन भाई कैसे शौहर हैं, वो आपको खुश रखते हैं, आप खुश हैं उनके साथ? किस तरह के सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे? आप भी तो मुझसे पूछ रही थी ना मेरे आइडियल के बारे में, तो आज मैं भी पूछ रहा हूँ कि असवन भाई आपके परफेक्ट आइडियल है या फिर उसका रेप्लिका। मैं असलन से मोहब्बत नहीं करती। पर आपने शादी क्यों की असलम भाई से? इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें वक्त नहीं कर दूंगी। शादी तो मोहब्बत के लिए हो जाए। जैसे मैं तुम्हारी भी हो गई।